आज अगर भारत मैदान पर उतरा तो भारत मैदान पर उतरते मुकाबला हार जाएगा। जी हाँ, अब आप सोचोगे भारत मुकाबला हार कैसे जाएगा, भारत ने काफी बेहतर परफॉर्म करके दिखाया तो भारत को जीतना चाहिए, तो कैसे भारत हारेगा मुकाबला और क्या है इस मुकाबले की रणनीति, इसके बारे में बात करने के लिए मौजूद है मेरे सहयोगी आशीष और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल चैनल इन खबर और मैं हूँ आपके साथ अभिषेक पांडे। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कल का मुकाबला हुआ आशीष, तो न्यूजीलैंड के साथ मुकाबला था, भारत ने काफी दमदार परफॉर्मेंस करके दिखाई, भारत के बॉलर्स ने अटैक इतना तगड़ा रखा कि न्यूजीलैंड रन तक बना नहीं पाया। बिल्कुल, अब ऐसे में कल बारिश हो गई, बारिश से तो मुकाबला धुल गया, 47वें ओवर के पहली बॉल पर बारिश हो गई, दूसरी बॉल तक डल नहीं पाई। अब ये कहा जा रहा है कि भारत अगर 5 ओवर खेल लेगा आज तो भारत लगभग ये मुकाबला हार जाएगा, तो ये आशीष क्या है, इस पे आप इस बात से पर्दा उठाइए। देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि इस मुकाबले में टॉस बहुत अहम रहेगा और केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की, क्योंकि बादल छाए हुए थे मैदान में और डकवर्थ लुईस हमेशा उनको फेवर करता है जो टीम पहले बल्लेबाजी करती है, और इसी का खामियाजा आज भारत भुगत सकता है कि अगर आज भारत उतरता है मैच खेलने, 5 ओवर खेलता है और जरूरी रन रेट के हिसाब से जो डकवर्थ लुईस का जो स्कोर मिलेगा टीम को टारगेट अचीव करने के लिए, अगर रन रेट के हिसाब से भारत स्कोर नहीं बना पाता है तो भारत ये मैच हार सकता है और जो भारत का फाइनल में पहुंचने का सफर है वो शायद आज समाप्त हो जाएगा। जी, वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा था कि अगर आज भी जो मुकाबला रद्द होता है जी, तो भारत सीधा फाइनल में चला जाएगा। बिल्कुल, मतलब आपके कहने का मतलब ये इससे बेहतर तरीका ये है कि भारत आज का मुकाबला ना खेले। जी, तो किस हद तक आपको लगता है कि जो वहां के जो मौसम को देखते हो लगता है कि आज मुकाबला होगा या मुकाबला नहीं होगा? देखिए, जिस तरीके से फोरकास्ट आ रही है वहां की मैच शुरू होगा उसके 1-1.5 घंटे बाद 20% चांसेस है बारिश के, जो कि कल थे 50%, लेकिन बारिश कल 50% से ज्यादा परसेंटेज के हिसाब से वहाँ मैनचेस्टर में कल हुई है, तो आज मुझे लगता है कि फिर एक बार फिर बारिश खलल डालेगी मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर और कहीं ना कहीं भारत का गणित बिगाड़ेगी अगर भारत खेलने उतरा तो। मैं तो यही चाहूंगा एक बतौर इंडियन फैन के मैच ना हो, बारिश आज भी आए और भारत को सीधा फाइनल का टिकट मिले, क्योंकि जो भारत लक्ष्य मिल रहे हैं डकवर्थ लुईस के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि वो जायज है, क्योंकि आप भी सुबह से कवर कर रहे हैं उन्हें, 40 ओवर में 237, 40 ओवर में 223, 35 ओवर में 209, 30 ओवर में 192, 25 में 172 और 20 ओवर में 148, तो मुझे नहीं लगता ये जायज टारगेट है भारत के लिए। न्यूजीलैंड का खुद दिखा था, न्यूजीलैंड ने 47 ओवर लगभग मुकाबला खेल लिया और न्यूजीलैंड के खुद अभी 211 रन ही बने, वही मैं कह रहा हूं 225 भी आंकड़ा पार नहीं कर पाई हो, और फिर इंडिया को किस हिसाब से 46 ओवर में इतना टारगेट दिया जा रहा है, समझ में नहीं आता। ये कुछ नियम ऐसा लगता है गलत नियम अपना रहे हैं लोग, इस नियम में कुछ बदलाव की जरूरत है, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? ये डकवर्थ लुईस का जो नियम है ये हमेशा से ऐसे ही चलता है, ये हमेशा उल्टा चलता है, जब जो बल्लेबाजी करती है टीम उनके दिमाग में ये रहता है कि हम बादल छाए हुए हैं, हम पहले बल्लेबाजी करेंगे, अगर हम 50 रन भी बनाते तो 50 रन में डकवर्थ लुईस के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। ऐसा ही कल न्यूजीलैंड के साथ हो रहा है, उन्होंने 211 बना लिए, 26 ओवर उनको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, लेकिन वो 50 में नहीं बनाने, भारत को 46 में बनाने, तो उसका उनको पूरा फायदा मिल रहा है। जहां न्यूजीलैंड ने 4 के रन रेट से अपने रन बनाए थे तो वहीं टीम इंडिया को 6 के रन रेट से रन बनाने पड़ेंगे। दो बिल्कुल, अगर 2 रन भी देखा जाए तो 2 रन हमें देखने में कम लगते हैं, 2 अगर पर प्रति ओवर रन रेट की बात आया तो 50 ओवर में 100 रन पहुंच जाता है, तो अगर पूरे 50 ओवर का आंकड़ा देखा जाए तो 100 रन अधिक का जो एवरेज है वो इंडिया के पास आया था। वहीं अगर आशीष, मैं आपने अभी कहा था कि जो मुकाबला शुरू होने के 1 से 1.5 घंटे बाद बारिश के आसार बताए जा रहे हैं, पर लेकिन अगर 1 से 1.5 घंटे में देखा जाए तो ये जो भारत को 5 ओवर खेलने, शायद भारत उससे ज्यादा खेल सकता है, क्योंकि लगभग तीन ओवर 5 वाले न्यूजीलैंड की रहती है और भारत को 5 ओवर से अधिक खेला तभी इसका नियम आएगा, तो मुझे लगता है कि आज का परिणाम, मतलब आज खिलाड़ी खेल सकते हैं और परिणाम निकल सकता है, आपको क्या लगता है? देखिए, 55 से 60 गेंदों का मुकाबला होना है, जैसे कि अगर मुकाबला शुरू होता है 3 बजे के समय के हिसाब से ओल्ड ट्रैफर्ड में, तो 55 से 60 गेंदों का मुकाबला होगा, उसके बाद भारत में 8 या 7 ओवर खेल लेगा, लेकिन फर्क बहुत है। कल हम बात कर रहे थे एक नया विकेट होगा, फ्रेश विकेट होगा, आपने देखा कि भारत ने कितनी कसी हुई गेंदबाजी की, हालांकि विकेट पे बॉल आ रहा था, थोड़ा बहुत उछाल था वहाँ, पर आज बारिश, वहाँ मौसम खराब है, हो सकती है कल भी बारिश हुई है बिल्कुल, और पिच में नमी है, तो बल्लेबाजी आसान नहीं होगी अभिषेक, आज वहाँ तो दिक्कतें भारतीय टीम के खिलाड़ियों को होगी। तो जैसा आपने देखा हमारे सहयोगी आशीष कैसे बता रहे हैं कि जो दिक्कतें हैं वो भारतीय टीम को, भारतीय खेमे को हो सकती हैं, डकवर्थ लुईस का जो नियम है वो नियम इस प्रकार का नियम है कि समझ में नहीं आता कि नियम किस हिसाब से है वो, क्योंकि टीम इंडिया को इतने रन बनाने हैं, जो रन खुद न्यूजीलैंड ने भी नहीं बनाए वो रन टीम इंडिया को बनाने हैं। अब ऐसे में देखते हैं कि मुकाबला शुरू होगा तो मुकाबले का अंत कहां जाकर होता है, या मुकाबला आज भी नहीं हो पाएगा, इस मुकाबले को लेकर जो भी अपडेट होगी और वर्ल्ड कप को लेकर जो भी अपडेट होगी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप बने रहें हमारे चैनल इन खबर पर, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इन खबर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।